हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, हेलो, दिस इज प्रेरणा पवार। और आज मैंने ब्राउन टोन वाला मेकअप किया, मतलब ब्राउनिश शेड वाला, और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये ब्राउनिश ड्रेस भी पहन ली है और मैंने ये ब्राउन शेड वाला मेकअप किया है। और इफ़ यू आर वंडरिंग हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस क्यूट ब्राउनिश मेकअप लुक, सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग बाल को क्लिप करेंगे, क्योंकि मेकअप के बीच में हम लोग को डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए बालों का। सो फर्स्ट हम लोग वो कर लेंगे, एंड देन मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, सो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, मेरा डॉट एंड की का सी का कालमिंग वाला मॉइस्चराइज़र, और वो अच्छे से मेरे फेस पे मसाज कर दूँगी। After massaging that, I'm going to use a foundation. मैंने मेरे back of hand पे एक pump लिया, and then एक brush से मैं वो पूरा face पे dot dot करके spread कर दूँगी, dot dot करूँगी, and then मैं उसको spread करूँगी और apply कर दूँगी beauty blender से। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से एकदम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे हम लोग। एंड आज मैं कोई कंसीलर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, सो वही थोड़ा सा जो बचा हुआ फाउंडेशन है वही मैं अंडर आई के इधर और जिधर भी मार्क्स रहेंगे उधर लगा दूँगी, तो उससे और थोड़ा कवरेज मिल जाएगा। और अगेन वो पहले देन हम लोग अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से उसको इवन कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ अ सेटिंग पाउडर, एंड मैं फेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और वो अंडर आई के इधर लगा दूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रीजेस अंडर आई के इधर होता है। सो फर्स्ट हम लोग वहीं पे सेट कर देंगे कॉम्पैक्ट से। एंड ऑल्सो जिधर जिधर हम लोग को स्वेट होता है उधर भी सेट कर देंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। एंड देन आई एम गोइंग टू फिल माय ब्राउस, एंड एकदम हल्के हल्के हाथ से मैं वो ब्राउ फिल करूँगी, एंड देन मस्कारा लेके उसके ऊपर सिर्फ अप्लाई करूँगी एकदम हल्के हाथों से। आईब्रोज डन, एंड नाउ हम लोग ब्राउन कलर का शेड, मेरा आई शेडो वो ब्राउन पैलेट वाला टूट गया है, सो वैसे यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि और दूसरे शेड
आई शेडो पैलेट में मेरे ब्राउन शेड नहीं है, सो वही ब्राउन शेड लेके मैंने पूरे आईलिड्स पे अप्लाई कर दिया है, क्योंकि आज हम लोग ब्राउन टोन वाला लुक करें. सो वही शेड लेके मैंने अंडर आइज के इधर भी लगा दिया है, सो एकदम ब्लेंडेड इफेक्ट देगा. और जस्ट वही करने वाली हूँ बिकॉज हम लोग को सिंपल एंड सोबर रखना है अपना लुक. देन आई एम टेकिंग आई लाइनर, और मैंने ऑफ कैमरा वो आई लाइनर किया है क्योंकि मेरे को ऑन कैमरा करने होता नहीं है. मैंने हाफ विंग आई लाइनर किया है, और देन आँखों को ओपन अप करने के लिए मैंने वाइट कोल यूज़ किया है और मेरे वाटर लाइन पर लगाया है. नेक्स्ट टाइम यूजिंग स्विस ब्यूटी का मस्कारा एंड यूजिंग दैट वेरी लिटिल ऑन माई लिड्स, क्योंकि ज़्यादा कोट करेंगे तो वो क्लम्पी हो जाता है और हम लोग को वो नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग नेचुरल मेकअप कर रहे हैं. सो मैं सिर्फ दो मैक्सिमम कोट लगाऊंगी और अंडर आई के लैशेस पे भी वही लगाऊंगी. एंड देन वी आर यूजिंग पाउडर ब्लश बिकॉज आज हम लोग ऐसे मैट लुक करने जा रहे हैं. सो आज मैंने गलती कर दिया कि वो पिंकिश शेड यूज़ करके, बट कोई नहीं, एंड में वो अच्छा लग रहा था. सो वो ज़्यादा हो गया था तो मैंने मेरा ब्यूटी ब्लेंडर था उसको लेके वापस उसके ऊपर चलाया, सो वो जो एक्स्ट्रा. नेक्स्ट हम लोग ब्राउन लिप लाइनर से लिप को आउटलाइन करेंगे, लाइन करेंगे. After lining my lips, I'm using a brown shade lip, क्योंकि पूरा मेकअप मैच होना चाहिए क्योंकि हम लोग ब्राउन टोन वाला मेकअप करने वाले. सो मैंने ब्राउन लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक यूज़ किया है, एंड मैं मैट लिपस्टिक ऐसे थोड़ा डॉट डॉट लगा के फिर फिंगर से स्प्रेड करती हूँ. And this is how my look has turned out, and I hope you guys like this look. And if you guys like this video, do not forget to like, share and subscribe, and let's meet in the next video.